हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेत जेआरएफ फिजिक्स। प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही थी हमारी। आज की क्लास में हम लोग रैंडम वॉक कवर करने वाले हैं। वैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है, वहाँ पर ढंग से। पर अभी थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने टॉपिक में लिख दिया था इसको, तो इसमें भी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के लिए लास्ट लेक्चर है। अगर पॉसिबल हुआ क्वेश्चंस करना तो हम करेंगे आगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दो तरीके होते हैं देखो। एक तो ये कि मैं हर टॉपिक के बाद में इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दूं, या फिर जैसा कि मैं हर बार करती हूँ कि पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है और उसके बाद में मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ करती हूँ, राइट, पूरे पेपर के। तो दोनों तरीके तो देख लूँगी मैं कि जैसा कम्फर्टेबल होगा, ठीक है। अभी ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है, ओके, स्टार्ट करते हैं। रैंडम वॉक, रैंडम वॉक देखिए दो तरीके की होती है, सिमेट्रिक रैंडम वॉक और असीमेट्रिक रैंडम वॉक, ठीक है। सिमेट्रिक और असीमेट्रिक कैसे, कोई पॉइंट है, ठीक है, इसको ओरिजिन मान के राइट चलूँ मैं या लेफ़्ट चलूँ। अगर राइट में चलने की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है, राइट में एक स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है और लेफ़्ट में स्टेप लेने की मान लो क्यू है, ओके, तो अगर पी और क्यू बराबर है, यानी प्रोबेबिलिटी राइट में स्टेप लेने की और लेफ़्ट में स्टेप लेने की बराबर है, तो उस केस के अंदर मैं बोलूँगी कि ये कैसे सीमेट्रिक रैंडम वॉक है, ओके। और अगर पी क्यू के बराबर नहीं है, यानी कि राइट और लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल, देन आई विल से दैट इट इज़ असीमेट्रिक रैंडम वॉक, ठीक है। हम लोग पहले 1D रैंडम वॉक देखेंगे, फिर 2D रैंडम वॉक। तो 1D के लिए देखते हैं थ्योरी पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए स्टेप राइट, हम मान लेते हैं कि राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए स्टेप लेफ्ट, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू द राइट, हम लोग मान लेते हैं कि एन वन जो है वो राइट में हम इतने स्टेप्स ले रहे हैं और लेफ्ट के अंदर हम एन टू स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ इक्वल लेंथ अलोंग अ लाइन, यानी वो जो पूरी लाइन है, ठीक है, उसके अलोंग स्टेप्स कितने ले रहे हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है ना, तो वो कितने हम लोग एन मान के चल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है ना, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, वन होगा। और राइट और लेफ्ट में यहाँ पर एन वन और यहाँ पर एन टू स्टेप्स चल रहे हैं, तो टोटल स्टेप्स एन है, तो एन वन प्लस एन टू किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको अलग नोटेशन भी मिल सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम राइट के अंदर ले रहे हैं उसको एम बोल दिया जाए, ठीक है, और जो लेफ्ट में नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं उसको एन बोल देते हैं। राइट वाले को नॉर्मली सक्सेस में लेके चलते हैं, लेफ्ट वाले को फेलियर में लेके चलते हैं, सॉल्व करने का तरीका होता है वो, ठीक है। तो अगर मेरे को बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वॉकर जो है वो एम स्टेप्स तो राइट में ले रहे हैं और एन स्टेप्स लेफ्ट में ले रहा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर टेक्स एम स्टेप्स राइट एंड एन स्टेप्स लेफ्ट, ये मैं एंड ऐसे बनाती हूँ रे यार, ठीक है, एन स्टेप्स लेफ्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी किस तरीके से दी जाएगी, टोटल कितने एन है, एन सी एम, पी की पावर एम, क्यू की पावर एन, ठीक है। ये चीज कैसे हुई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, क्या होता है टोटल में से कितने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो एम उससे रिलेट करना बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की यानी राइट में लेने की एम है, क्यू यानी कि लेफ्ट में लेने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और कितना होगा वो, तो वो स्मॉल एन है। यहाँ पर स्मॉल एन अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे कैपिटल एन माइनस स्मॉल एम, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस वे में लिखते हैं तो स्मॉल एम प्लस स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन है ना, यानी कि कैपिटल एन माइनस स्मॉल एम एन के बराबर ही तो है, तो एक ही बात है, यहाँ पर आप एन माइनस एम लिखो, कैपिटल एन माइनस एम या फिर स्मॉल एन लिखो, ठीक है। तो इस टाइम में प्रोबेबिलिटी दी जाती है, आपको इसकी थ्योरी के अंदर ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस निकालने वो अभी मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। इन वन डायमेंशन अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट और राइट, ठीक है, एक रैंडम वॉकर है वो लेफ्ट और राइट दोनों में स्टेप रहता है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर फोर स्टेप्स, तो चार स्टेप्स लेने के बाद में वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके कैसे करते हैं वो वाला मेथड बता रही हूँ, ठीक है, देखिए। जैसे कि ये मान लो ओरिजिन है, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये है उसकी
इनिशियल पोजिशन, उसके बाद में एक स्टेप इधर 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 इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3, इधर लेफ्ट में -1 -2 -3। ओके, अब देखिए पहला स्टेप चाहे राइट में ले चाहे लेफ्ट में ले, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये लिया, अगर इधर पहला स्टेप लेता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और इधर आने की भी कितनी है, दोनों में बराबर है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और बराबर है तो हाफ हाफ हो जाएगी। ये तो स्टेप फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है कि ये अगर वो इधर चला, ठीक है, अगर वो इधर चला है तो सेकेंड के अंदर वो यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब लेफ्ट लेगा तो इधर आ जाएगा और राइट लेगा तो 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ तो हो चुकी है। अब हाफ वापस क्या है कि टोटल हमने बोला है लेफ्ट और राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो अगर ये यहाँ पर आ चुका है, अब इसके पास में चांस कितने, हाफ है, तो हाफ के वापस दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, तो 1/4, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए एक्यूरेट रहेगा, पर कोई ना, 1/4, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर आया था तो यहाँ से भी फिर से इधर और इधर दोनों तरफ आने के चांस कितने हैं, 1/4 1/4, ठीक है। ये सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं हम, तो इधर तो कितना बना, 1/4, इधर टोटल कितना हो गया, अगर इधर से आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इधर से आएगा तो भी यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे आने की, दोनों वे में ऐड होगी, तो 1/4 + 1/4 = 1/2, ठीक है। ये था सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास में अब, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर देती हूँ थोड़ा पास में ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से राइट लेफ्ट, यहाँ से भी राइट लेफ्ट हो, यहाँ से भी राइट लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जा सकता है और फिर से ये 1 पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ से 0 से 1 पे जा सकता है, -1 पे आ सकता है, और -2 से भी सही से, यार एक्यूरेट बना लेना, बना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे -1 पे आ सकता है और -3 पे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना था, 1/4 था, अब जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बराबर बराबर की 1/8 और 1/8 हो जाएगी, ठीक है, तो इधर की भी 1/8 और इधर की भी 1/8, यहाँ पर कितनी थी, 1/2 थी, ठीक है, तो 1/2 से डिवाइड होगी दो इक्वल पार्ट्स में, तो इधर से आने की 1/4, इधर आने की भी 1/4, यहाँ पर कितनी से आ रहा था, 1/4 था, 1/4 को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/8 और 1/8, तो इन एंड्स की तो कितनी है, 1/8 है, और इनकी क्या हमको ऐड करनी होगी टोटल, ठीक है, इधर से आ रहा है जिसकी 1/4 है, इधर से आ रहा है जिसकी 1/8 है, तो इस पर पहुंचने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8 + 1/4, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, 3/8 हो जाएगी, ठीक है, और ये भी कितनी हो जाएगी, 3/8। तीन स्टेप तो ले लिया हमने, अब हमको फोर्थ स्टेप लेना है। ओके, फोर्थ के अंदर अब वापस देखिए, यहाँ से ये कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे -3 पे है ना, तो यहाँ से -4 पे जा सकते हैं और -2 पे आ सकता है, ठीक है। फिर इधर वाला जो -1 वाला है वो भी इधर जा सकता है, और मतलब -1 वाला -2 पे जा सकता है और 0 पे आ सकता है, ठीक है, ये 0 है यहाँ पर, ऐसे यूँ बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अब ये जो 1 वाला है वो भी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ओके, और फिर ये वाला है वो भी इधर इधर, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर 3/8 थी, ठीक है, तो 3/8 अब फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इधर भी 3/16 और इधर भी 3/16, ठीक है, इधर भी 3/8 था, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो इधर से 3/16 और इधर से 3/16, और फिर आगे इधर से कुछ भी हो रहा, हमको मतलब नहीं, हमको क्या बोला है कि फोर्थ चार स्टेप चलने के बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, चार स्टेप के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, टोटल कितनी होगी, 3/16 + 3/16, इधर से आने की 3/16 थी और इधर से आने की भी 3/16 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इधर से आने की 3/16, इधर से आने की 3/16, टोटल हमको बोला है स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन जो था हमने वो मान के चले थे, तो उसमें आने की 3/8 हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वन डायमेंशनल रैंडम वॉकर टेक्स स्टेप्स टू लेफ्ट और राइट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज बैक टू ओरिजिन आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कोई रैंडम वॉकर है लेफ्ट और राइट में जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एन इवन नंबर ऑफ स्टेप्स लेने के बाद में वो फिर से अपनी इनिशियल पोजिशन यानी ओरिजिन के ऊपर आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अब हमको निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, पिछली बार हमने वैसे किया था ना, हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, देखो
कैसे? नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल कितने? यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एन है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल एन है, ठीक है? उसके बाद में देखिए, वो राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बराबर है, यानी स्मॉल पी कितना है? हाफ है। और स्मॉल क्यू भी कितना? हाफ होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है? उसके बाद में देखिए, इवन नंबर ऑफ स्टेप्स वो ले रहा है, तो वो ओरिजिन पे कब किस केस में वापस पहुंचेगा? अगर जितना स्टेप्स वो राइट में चल रहा है उतने ही स्टेप्स वो लेफ्ट में चल रहा हो, ठीक है? इवन नंबर ऑफ स्टेप्स अगर वो ले रहा है, तो जितने वो राइट में चल रहा है उतने ही अगर वो लेफ्ट में चल रहा है, तो ही वो ओरिजिन पे पहुंचेगा, ठीक है? इसका मतलब स्मॉल एम जो हम स्टेप्स लेते हैं राइट के अंदर, वो कितने? कैपिटल एन बाय टू, और स्मॉल एन भी कितना है? कैपिटल एन बाय टू। आधे आधे स्टेप में बांट दूंगी ना, टोटल स्टेप्स एन है, ठीक है? और जितना एम होगा उतना ही एन होगा, तभी वो ओरिजिन पे पहुंचेगा, इसलिए दोनों में एन बाय टू। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं, तो एक काम करती हूँ, आपको पिछले वाले से और एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर देखिए, फोर क्या है? इवन नंबर ऑफ स्टेप्स है, ठीक है? और वो स्टार्टिंग पे चल के वापस ओरिजिन से ओरिजिन पे पहुंच रहा है। तो अगर मैं इधर से चली ना, तो ये कौन सा हुआ? लेफ्ट, ठीक है? उसके बाद में फिर हम कैसे चले? अगर हमको यहाँ आना है, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? हम लोग लेफ्ट में चलें, फिर वापस लेफ्ट में चलें, दो बार लेफ्ट हुआ, फिर राइट में आए, फिर राइट में आए, दो बार राइट हुआ, तो हम ओरिजिन पे पहुंच गए। अगर हम इधर से चलते, तो दो बार राइट दो बार लेफ्ट मतलब बराबर हुआ था, ठीक है? ये चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं। और इधर से हम आते, तो एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, यानी क्या हुआ? टोटल दो बार राइट और दो बार लेफ्ट हुए, ठीक है? इसलिए वो एम और एन बराबर होंगे, और वो टोटल के हाफ हो जाएंगे, क्योंकि जैसे चार है ना, तो दो राइट दो लेफ्ट, इधर से भी दो राइट दो लेफ्ट, तो उधर हमारे पास टोटल एन इवन नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, तो मतलब एन बाय टू तो राइट में चले होंगे और एन बाय टू हम लेफ्ट में चला होगा। हम क्या वो रैंडम वॉकर? तो बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अब हमको, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एन सी एम, एम की वैल्यू कितनी है? एन बाय टू। मैं एक बार चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ, एन सी एम पी की पावर एम और क्यू की पावर स्मॉल एन, ठीक है? यानी कितना हो जाएगा? एन सी एन बाय टू, ठीक है? हाफ की पावर एन बाय टू, फिर वापस हाफ की पावर एन बाय टू, ठीक है? तो इसको सॉल्व करती हूँ अगर मैं, तो क्या होता है? एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन बाय टू का फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस एन बाय टू का फैक्टोरियल। तो एन माइनस एन बाय टू वापस कितना बन जाएगा? एन बाय टू, ठीक है? इसका फैक्टोरियल, और फिर हाफ की पावर एन बाय टू प्लस एन बाय टू, यानी टोटल एन, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा? ये ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वन डायमेंशनल रैंडम वॉकर टेक्स 10 स्टेप्स इन लेफ्ट एंड राइट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज बैक टू ओरिजिन आफ्टर टेकिंग 10 स्टेप्स। अब वैसे इसमें इतना एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, क्योंकि ये है वो का वो ये है, सब क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना? वही बात है अब हमारे पास में कि बराबर प्रोबेबिलिटी है, तो पी भी हाफ है, क्यू भी हाफ है, ठीक है? और टेन स्टेप्स है, टेन क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ स्टेप्स है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वापस इसको वहीं पे आना है, यानी कि एम जो है वो एन के बराबर होगा, और वो दोनों किसके बराबर होंगे? टेन बाय टू यानी कि फाइव के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन यानी, और टोटल एन क्या हो जाएगा हमारे पास में? टेन दे रखा है, ठीक है? तो एम उसको टेन इक्वल टू कैपिटल एन बाय टू होगा, इस वजह से। कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ये वाला ही फार्मूला लगाएंगे वापस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? टेन सी फाइव, हाफ की पावर फाइव और हाफ की पावर फाइव। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, आई थिंक 63 डिवाइडेड बाई 256 को आंसर आता है, ठीक है? आंसर जो भी हो वैसे ये आना चाहिए। तो बस आपको ये फार्मूला लगाना आना चाहिए, अब आई थिंक कैसे बराबर होते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी तक तो हम सिमेट्रिक चल रहे थे, ठीक है? दोनों साइड में बराबर थी। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ द प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है? यानी कि अगर इधर जा रहा है ना, जैसे इसको पॉजिटिव मान लो, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव, हम एक्सेस भी तो ऐसे लेते, इधर पॉजिटिव एक्सेस और इधर नेगेटिव एक्सेस, तो इधर मान लेते पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी को हम पी बोलते हैं ना, वो 2/3 दे रखी है। एंड स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी ये एक स्टेप इधर ले रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम किससे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको कितनी दे रखी है? 1/3 दे रखी है। इस बार पी और क्यू बराबर नहीं, ठीक है?
द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रैंडम वॉकर आफ्टर एन स्टेप्स, तो एन स्टेप्स की बात में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा वो हमको बताना है। टोटल स्टेप्स कितने एन है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच के देखो, इधर चलने की 2/3, इधर की 1/3 है, तो राइट में कितना चल रहा है उसमें से हमको लेफ्ट का माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मान लो वो 4 कदम इधर चल गया और 3 कदम इधर चल गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे ना। मान लो अगर वो 7 स्टेप्स इधर चला, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ से 7 स्टेप्स तो इधर चला, उसके बाद में 3 स्टेप वापस इधर चल गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को चाहिए तो, क्योंकि इधर गया फिर वापस इधर आया, तो इतने को माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस 3 यानी 4 मेरे पास में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट वो कितना बनेगा, इसके लिए हम बोलेंगे कि इधर जाने की इस बार हमको स्टेप्स नहीं दे रखे, हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी ना, तो हमको क्या करना होगा, अगर हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी तो स्टेप्स से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो कितना होगा 2/3 n राइट में जाने के लिए, और लेफ्ट में कितने स्टेप्स की बात करेंगे हम, तो मतलब कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है, राइट में जाने की, और हमको n स्टेप्स की बाद में चाहिए हो, तो 2/3 n माइनस 1/3 n, ये माइनस 1/3 n क्यों, क्या आई थिंक आप समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट की वजह से, ठीक है, इस वजह से ये बन जाएगा 1/3 n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ अ 1D रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू दैट लेफ्ट और राइट, वही बात है, राइट में और लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी बराबर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 स्टेप्स। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वापस डाला रिपीट के अंदर, ताकि आप लोग समझ सको कि जो हम फॉर्मूला जो फर्स्ट बार मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना, आपने ध्यान दिया तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, तब हमने इस तरीके से पूरा वो किया था समझाने के लिए, ठीक है। वो समझाने का रीज़न ये था ताकि आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सको कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है उसको हम m और n जो होता है स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n वो कैपिटल n बाय 2 कैसे होता है, इवन जब ले रहे हैं हम इवन नंबर ऑफ स्टेप्स तो उस केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको सिर्फ फॉर्मूले से बता रही हूँ ये प्रूव करने के लिए कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैपिटल n 4 है, स्मॉल m कितना होता है, स्मॉल n के बराबर होगा, ठीक है, और वो कितना होगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी राइट में जाने की हाफ है और लेफ्ट में जाने की भी हाफ है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है, तो n c m p की पावर m q की पावर n ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो ये स्मॉल p है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो कितना होगा ये 4c 2 p की पावर m हाफ की पावर 2 और हाफ की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1/2 की पावर 4, तो 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे जाएगा टू 2, 6 / 2 की पावर 4 कितना होगा 16 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/8, ठीक है, तो यही आंसर आ रहा था तब भी हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो 1D रैंडम वॉक के प्रोबेबिलिटी के इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग 2D रैंडम वॉक का थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कंसिडर अ रैंडम वॉकर एंड अ स्क्वायर लैटिस, ठीक है, स्क्वायर लैटिस है उसके अंदर कोई रैंडम वॉकर है, एट ईच स्टेप वॉकर मूव्स टू अ नियरेस्ट नेबर साइट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द 4 साइड्स। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर लैटिस, हर स्टेप के ऊपर जो वॉकर है वो नियरेस्ट नेबर साइट में इक्वल प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा चारों साइड से, इसका मतलब क्या, जैसे वो यहाँ पर है ना तो यहाँ से इधर 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 चारों जगह जा सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 4 साइड से चारों साइड्स पर जाने की प्रोबेबिलिटी हर केस में बराबर है, ठीक है। द वॉकर स्टार्ट्स टू ओरिजिन एंड टेक्स 3 स्टेप, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 3 स्टेप लेता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग दिस वॉक नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस इज, तो अगर वो 3 स्टेप ले रहा है ना तो कोई भी साइट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुई है, मतलब ठीक है वो वापस उस जगह पे नहीं गए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखिए इसके अंदर क्या है, टोटल वेज की अगर हम बात करें तो अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगानी है, तो कंडीशन नहीं लगानी है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप वो ले उसके भी 4 तरीके होंगे, सेकेंड स्टेप वो ले उसके भी 4 तरीके होंगे और थर्ड स्टेप लेने के भी 4 तरीके होंगे, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट के बाद जाने के 4 तरीके हैं ना, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है,
तो यहाँ पे फिर वो इधर 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 कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अभी हमने ऐसा तो बोला नहीं है ना कि वापस यहाँ नहीं जाना है, टोटल केसेस की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ से यहाँ आने के बाद भी 4 है, फिर यहाँ से मान लो वो यहाँ चला गया तो फिर भी 4 है, ठीक है। तो टोटल वेज तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, फेवरेबल वेज चाहिए। तो फेवरेबल के लिए देखो मैं अलग पेन से बता देती हूँ थोड़ा आपको। यहाँ पर मान लो इसका ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन से अब ये इधर भी जा सकता है, 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 यानी पहले स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किधर भी जाए, ठीक है। तो तरीके जो है वो 4 हुए। फिर जब उसको दूसरा स्टेप लेना है ना, जैसे कि मान लो फर्स्ट स्टेप में इस वे में आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद अब वो वापस इधर नहीं जा सकता है ना, ठीक है, इधर नहीं जा सकता है, इसका मतलब अब उसके पास में केवल 3 तरीके बचे जाने के। कौन कौन से? अब या तो वो इधर जाएगा, या फिर वो इधर जाएगा, या फिर वो इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेप ले लिया, वो मान लो इधर आ गया, फर्स्ट स्टेप में चारों मतलब साइड्स पे जा सकता था। यहाँ आने के बाद ये है कि नो साइटेड विजिटेड मोर देन वंस, यानी कि वो किसी भी साइड पे दोबारा नहीं जा सकता, तो वो इधर नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इधर 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 जा सकता है। तो अब कितने तरीके हुए मेरे पास में, सेकेंड स्टेप में 3 तरीके हुए। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, अब वो यहाँ आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद अब मतलब आप कहीं भी ले सकते हो, अब वो ज़रूरी नहीं आप इसी इसी डायरेक्शन में चलो, अब मान लो वो यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब कि पहले वो इधर चला, फिर किधर भी चल सकता था 3, तो मान लो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद उसके पास क्या क्या तरीके बचते हैं, अब वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और ऊपर की साइड जा सकता है। नीचे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये मतलब उसी इसी तरीके से तो उधर गया, तो वापस इधर थोड़े ना आ सकता है क्या, ठीक है। नो साइट विजिटेड ट्वाइस, यानी कि वो इधर से गया तो वापस इधर इस रास्ते नहीं आएगा, इसका मतलब कि अब वापस 3 ही तरीके बचे अपने पास में, ठीक है। तो इसका तो कितना आता है 64, इसका कितना आता है 36 आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी 36 डिवाइडेड बाय 64, सॉल्व करोगे इसको तो वो 9 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर अ रैंडम वॉक ऑन एन इन्फाइनेट 2D ट्राइंगुलर लेटिस, ये आपको दे रखा है ट्राइंगुलर लेटिस से इस तरह का, ठीक है। अ पार्ट ऑफ विच इज शोन इन फिगर, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू एनी ऑफ द नियरेस्ट नेबर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो है कि किसी भी नियरेस्ट नेबर साइड पे जो बराबर प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वॉकर रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पोजिशन एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली 3 स्टेप्स। तो एग्जैक्टली 3 स्टेप्स लेने के बाद में वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वापस उसी जगह पर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। तो इसका कोई भी एक पार्ट उठा लो पूरा बड़ा सा, जैसे कि अगर मैं कोई हेक्सागोन पार्ट उठा लेती हूँ इसका बड़ा सा, ठीक है, तो ये बन गया हेक्सागन। यार इतना अच्छा नहीं बन रहा है पर मान लेना, कैसे बनाऊँ, ऐसे बना लेती हूँ ये। एक्चुअली मैं ये जो ट्राइंगुलर लेटिस है ना ये बनाने की बात करूँ, जैसे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखो यूँ मान लो कि मैंने ये वाला पार्ट जो है ना अभी ब्लू से सर्कल किया है ये पूरा, ठीक है, ये मैंने उठा के यहाँ रख लिया समझने के लिए, ओके। अब हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है, तो ओरिजिन से अभी किधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है ना यार, इधर भी जा सकता है, 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 ओके। तो फर्स्ट स्टेप में अगर ये लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फर्स्ट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी P1 = 6/6, टोटल डायरेक्शन कितनी है 6 है, और 6 के 6 में ये जा सकता है, ठीक है, तो वो हो गई 6/6 फर्स्ट स्टेप के लिए। एक्चुअली 3 स्टेप लेने हैं। सेकेंड स्टेप की हम लोग बात करते हैं अब, तो देखिए सेकेंड स्टेप भी कैसे लेगा, मान लेते हम लोग कि इस डायरेक्शन से गया, ठीक है, फर्स्ट में हम मान लेते इधर गया, तो अब इसके पास में क्या तरीके हो सकते हैं, हमको वापस एक बात ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट पे आना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद भी देखो जैसे कि हम इसमें बताऊँ ना मैं आपको, तो इधर 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 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, 4 तरीके ना, लेकिन और मतलब हम देखें तो टोटल तो 6 वेज है इसके पास, वापस इस पॉइंट से वो इधर 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 इधर, क्योंकि ये पूरा एक्सटेंडेड है ना, हमने केवल एक मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा इसका पीस लिया, लेकिन ये पूरा एक्सटेंडेड है, तो ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, उसके बाद में वापस जाने के तरीके तो 6 है, इधर 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 सब जगह जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि टोटल तो कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हमको लेकिन क्या बोला है कि अगर वो हमको वापस थर्ड स्टेप के अंदर इसको अपने इनिशियल पोजीशन पे आना है, तो अब ये यहाँ आ सकता है क्या डायरेक्ट, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता,
क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप पे इसके इनिशियल पोजिशन पर आ जाएगा, ठीक है। इधर जा सकता है क्या? इधर और डायरेक्शन से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि फिर ये इधर कैसे आएगा अगर उधर चला जाएगा तो तीन स्टेप में, तो यानी या तो ये इधर जाएगा, ठीक है, या फिर ये इधर आएगा सेकेंड स्टेप में, समझ में आया। यहाँ आने के बाद में इसके पास फिर से वही सारे रास्ते थे, ठीक है। अगर आगे और देखें हम तो इधर इधर कहीं भी जा सकता था, छः के छः रास्ते थे, पर ये इन तीनों में नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो फिर थर्ड स्टेप लेके ये वापस ओरिजिन पे नहीं आ पाएगा, और अगर ये इधर के थ्रू आता है तो फिर तो सेकेंड स्टेप ही आ जाएगा। तो केवल दो तरीके बचते हैं सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2/6 हो जाएगा। उसके बाद में वापस क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग कि ये चाहे इधर या इधर, कोई सा भी पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। तो मान लो इसने इधर ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है, अगला स्टेप इसने यहाँ पर आ गया। अब ये, अब इसको दो स्टेप तो हो चुके हैं, थर्ड स्टेप लेना है। फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से यहाँ आया था, सेकंड स्टेप में मैं यहाँ से यहाँ चला गया ये, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली अब इसके पास में यहाँ पर आना है ना ओरिजिन पे, तो यहाँ आने के बाद एक ही तरीका है कि इसको ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इधर से इधर आता तो भी एक ही तरीका था कि इधर आना पड़ेगा। जा तो कहाँ सकता है वो, कि वो 6 वेज है इसके पास, इधर इधर इधर, ठीक है, 6 टोटल वेज है। लेकिन जो अपना फेवरेबल वे है कि इनिशियल स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाए, उसका एक ही तरीका है इसके पास में, तो वो हो जाएगा P3 = 1/6, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी तीन स्टेप्स की, तो क्या होगा, P1, P2, P3, ठीक है। यानी कि हमको क्या इसके अंदर पूरा करना है कि ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आना है, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो पहले स्टेप के 6/6 × 2/6 × 1/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये गया 3, तो 1/18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, वैसे मैंने अलग अलग कलर से इसलिए समझाने की कोशिश करी ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, वापस देखो तो समझ में आ जाए, आई होप समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2D के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, नेट का मतलब रिपीटेड नेट में आया हुआ क्वेश्चन है यार, रिपीटेड क्या, ठीक है। दिसंबर 2013 का होगा आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं अपन तो सॉल्यूशन करना। देखो, अ चाइल्ड मेक्स अ रैंडम वॉक ऑन अ स्क्वायर लेटिस ऑफ लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए, टेकिंग अ स्टेप, ये ए जो है ना वो लेंथ वाला ए है, ठीक है ना, ऐसे कर देती हूँ। टेकिंग अ स्टेप इन नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन विथ प्रोबेबिलिटीज दिस 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 एंड दिस, यानी कि चारों डायरेक्शन के अंदर उसका ए स्टेप ले रहा है ना, उसके मतलब लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए है, तो स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटीज हमको इतनी दे रखी है। आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल एन, द एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस। तो काफ़ी स्टेप्स जब एन हो जाते हैं तो तब उस केस के अंदर जो एक्सपेक्टेड पोजिशन है चाइल्ड की स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो, ये मान लेते हैं ऑरिजिन, ठीक है, तो इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट। इसके अंदर लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए दे रखा है ना, यानी कि वो इधर ए डिस्टेंस चलता है, इधर भी ए डिस्टेंस चलता है, इधर भी ए और इधर भी ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी किसकी है, नॉर्थ के अंदर इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, ठीक है। अब देखो, सिंगल स्टेप लेंथ कितनी हमारे पास में, सिंगल स्टेप लेंथ वो है ए, ठीक है। अब एक सिंगल स्टेप लेने के बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी चाइल्ड की पोजिशन की, ठीक है, एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ले लूँ मैं, एक्सपेक्टेड यानी क्या, एवरेज वैल्यू जो चाहिए मुझे, ठीक है, वो क्या होगी, समेशन ओवर आई एक्स आई और पी एक्स आई, ठीक है, या फिर पी आई लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली केवल, ठीक है। यहाँ पर वैक्टर लगाना पड़ेगा मुझे, वैसे यहाँ पर बार क्यों लगाना है जबकि हम एवरेज ही लिख रहे हैं ना, तो एक्स वेक्टर का एवरेज यानी बार हो गया। यहाँ पर मैं एक स्टेप की बात करूँ तो मैं 1 लिख देती हूँ, यानी एक सिंगल स्टेप के बाद में मैं लिख ही देती हूँ, चलो आफ्टर अ सिंगल स्टेप, आफ्टर अ सिंगल स्टेप एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ चाइल्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोजिशन ऑफ चाइल्ड जो भी मानो, ठीक है, वो ऐसे, तो कितनी आ जाएगी वो। अब इधर मैं जैसे लो एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर वाई एक्सिस ले लेती हूँ, उस केस के अंदर ये तो क्या हुआ आई कैप, ये क्या होगा माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप नीचे माइनस जे कैप, और फिर क्या करूँगी मैं, लेंथ तो कितनी है इनकी, एक्स की वैल्यू तो सब केस के अंदर ए ही है ना, ठीक है, लेटिस कॉन्स्टेंट हमको स्क्वायर लेटिस और लेटिस कॉन्स्टेंट ए दे रखा है, तो सब जगह ए ही है, और मैं इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कर दूंगी,
जैसे कि नॉर्थ के लिए अगर मैं देखती हूँ, ठीक है, तो नॉर्थ के लिए कितना है, स्टार्टिंग से देखते चलते हैं, 0.255, ठीक है, और डायरेक्शन इसकी जे के, तो जे के। उसके बाद में ईस्ट का है, ईस्ट का कितना है, ईस्ट का आई कैप में है ना, तो 0.255 और आई कैप। उसके बाद में क्या है, साउथ का 0.245 है, ठीक है, साउथ किधर है, नीचे की साइड है, यानी माइनस जे कैप है। तो यहाँ पर सब में ए भी है ना, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सब में ए है, तो मैं एक साथ एक कॉमन लेके लिख देती हूँ, ठीक है, -0.245 जे कैप। और ऐसे ही साउथ, ये जो वेस्ट है ना, इसके अंदर भी कितना है, माइनस आई कैप आएगा और 0.245 है, तो -0.245 आई कैप आई थिंक, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अब ए। उसके बाद में जे में कितना बचा ये, 0.010, तो 0.01 लिख देती हूँ। जे कैप में भी वही बचा और आई कैप में भी वही बचा, तो आई कैप ऐसा ब्रैकेट लगा दूँ कैसा भी, प्लस जे कैप, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 0.01 ए आई कैप प्लस जे कैप। ये तो कितने के लिए था, एक सिंगल स्टेप के बाद में। इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल एन, तो एन के बाद में कितना होगा, ठीक है, उसके लिए लिखूँ मैं, तो आफ्टर एन स्टेप्स कितना हो जाएगा ये, 0.01 n a i प्लस j। अब मेरे को तो क्या चाहिए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना, तो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा इसका, i प्लस j, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, √2, ठीक है, इंटू इस पूरे को, अगर मैं 0.01 को, जैसे इसमें इस फॉर्म में है ना, तो लिखाने के लिए 10^-2 लिख देती हूँ, n a। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये i प्लस j दोनों है, ठीक है, यानी कि i प्लस j ये जो डायरेक्शन होगी ना, उसको मैं बोलूँगी आई प्लस जे बाय √2 टाइप की, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिखा है। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी फिर हमारी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, आई और जे, तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ये तो पढ़ा, पता पड़ गया होगा ना आपको, √2 कैसे, जैसे ए आई के प्लस बी जे के होता मेरे पास में, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लिखती, √ a² + b² लिखती, दोनों में 1 है तो √1 + 1 √2, वैसे ये तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है, तो भी चलो कुछ नहीं। तो ये हो चुका है रैंडम वॉक का टॉपिक, इसमें 1D 2D का कैसा होता है मैंने आपको एग्जांपल देख के बता दिया है, इतना आपके लिए इस, अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इतना पढ़ना सफिशियंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड होती है, प्रोबेबिलिटी के सारे लेक्चर्स, अगर आपने कोई मिस किया है तो देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा हो चुका है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।